फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो का पार्ट टू। पार्ट टू में हमने क्या करना है, हमने पिछली दफ़ा आपको जो ब्लॉग बनाना सिखाया था उसमें हमने आपको उसकी कुछ सेटिंग सिखाई थी, थीम सिखाई थी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आपको उसकी कुछ SEO सिखा देते हैं, ठीक है जी। उसमें आपने क्या करना होगा, आपने सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर आप देखें, आपने बेसिक सेटिंग थी, सबसे पहले आपने यहाँ नाम देना था कोई भी अपने जॉब जिस भी टॉपिक पे आपने ब्लॉग बनाना है, आपने यहाँ पर वो नाम दे देना है। उसके बाद अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन दे देनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपने ब्लॉग का एड्रेस जो भी चूज़ करना है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम सब आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कुछ एडवांस सेटिंग होती है वो करनी होती है, जो कि यहाँ पर हम सर्च प्रेफरेंसेस पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखें मेटा टैग डिस्क्रिप्शन देनी होती है जो हम पिछली उसमें भी दे चुके हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो एडवांस सेटिंग है वो करनी है। वो कैसे करनी है, तो यहाँ पर देखें इसको हमने ऐड करना है गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड करना है कस्टमर रिपोर्ट टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर हमने अपना साइट मैप डालना है। वो कहाँ से आएगा जी, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वहाँ से लिंक ले लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पर, मैं अपने एड्रेस पर चली जाती हूँ, ठीक है जी। आपने वहाँ पर सर्च कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। आपने उस पर क्लिक करना है, आप ऐसे टूल्स पर आ जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने पेज अपीयर होगा, आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको मेडिकल लेबल फॉर्मेट नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर नीचे आते ही क्लिक हेयर पर, प्लीज़ विजिट क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाए, नीचे आते रहें। यहाँ पर यहाँ देखें आपको कुछ मेटा टैग जनरेटर टूल दिखा रहा है। आपने यहाँ क्या करना है, ये देखें आपको कह रहा है कि अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन ना दें। तो हमने क्या करना है, हमने अपने यहाँ पर चले जाना है मेटा टैग में, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने जो भी दिए, मेरी तो छोटी सी, आप जो भी देंगे आपने वो सारी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको वापस से सेव कर देना है। फिर यहाँ से आके आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो आपने दिए होते हैं वही कीवर्ड से वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑथर ऑप्शनल, आपने यहाँ क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है, जो भी आपने नाम रखा हो, ठीक है। यहाँ पर देखें टाइटल जो था हमारा, हमने अपनी वेबसाइट का वो टाइटल यहाँ पर दे देना है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसको जाके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया, अब यहाँ पर इसको आल ही रह देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिएट मेटा टैग पर क्लिक कर देना है। ये हमसे पूछेगा कि आप श्योर हैं, तो यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से बी इफ से लेके तमाम वर्डिंग जो है हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद हमने वापस से अपने ब्लॉगर में चले जाना है। ब्लॉगर में जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने आ जाना है अपनी थीम में, ठीक है जी। आप एडवांस सेटिंग करने से पहले ये याद रखें कि आप जो भी थीम अपनी रखना चाहते हैं आपने वो थीम रख लेनी है, क्योंकि उसके बाद आप जब एडवांस सेटिंग करेंगे तो उसके बाद अगर आप थीम चेंज करते हैं अपने ब्लॉग की, तो आपकी जो भी सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको फिर से एडवांस सेटिंग करनी होगी, वरना आपका ब्लॉग जो है वो सर्च करने में लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, सर्च बार में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने जो भी थीम रखनी है वो पहले से आपने सिलेक्ट करनी है कि उसको दोबारा चेंज ना करें। उसके बाद ही जब आपका ब्लॉग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही आपने क्या करना है, इसकी एडवांस सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एडिट HTML पे जाना है। एडिट HTML पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है हेड का, हेड पे आपने यहाँ पर बराबर में क्लिक करके यहाँ पर एंटर का बटन दबाना है। एंटर का बटन दबाने के बाद वो तमाम जो हमने वहाँ से मेटा टैग हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर लाकर हमने पेस्ट कर देना है और सेव थीम पर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये सेव हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने वापस से उसी वेबसाइट पर चले जाना है, ठीक है। वापस से वेबसाइट पर चले जाना है, उसके बाद हमने
करना है ये लेफ्ट में टैग हो गया। उसके बाद आता है साइट मैप, ठीक है जी। साइट मैप का क्या करना है, यहाँ पर आपने विजिट हेयर पर क्लिक करना है, ठीक है जी। आपके सामने एक पेज अपीयर होगा। अब यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखें जी। तो आपने क्या करना है, साइट मैप के लिए आपने यहाँ पर इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आ जाएंगे, यहाँ पर एक एड्रेस डाला हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, जनरेट साइट मैप पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जनरेट साइट मैप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये सब कुछ उठा के कॉपी कर लेना है। कहाँ से कहाँ तक, ये यूजर एजेंट से लेकर ये पूरा नीचे तक आपने 500 तक इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस से अपने चले जाना है ब्लॉगर सेटिंग में, वहाँ पर आपने सर्च प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कस्टम रोबोट टेक्स्ट पर आपने एडिट पे क्लिक करना है, उसके बाद यस पे क्लिक करना है। वो तमाम जो आपने कॉपी किया था यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर देना है। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए होगा हमारा अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का यूआरएल। आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो यहाँ पर ये वेबसाइट का ये दिया हुआ है एड्रेस, इसको यहाँ से चेंज कर लेना है, ठीक है। .com तक आपने आकर इसको यहाँ से एस करके अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है जी। यहाँ पर सबके साथ आपने यही करना है। आपने यहाँ पर आके ये स्लैश तक सब ख़त्म करके ऑटम से पहले आपने यहाँ अपना तमाम अपना वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर सब जगह से उस दूसरे एड्रेस को हटा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये मैं कर लेती हूँ जब तक मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर वो एड्रेस हटा के मैंने तमाम एड्रेस की जगह अपनी वेबसाइट अपने ब्लॉग का एड्रेस यहाँ पर मैंने दे दिया है, और उसके बाद मैं इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है जी। तो यह हमारा साइट मैप यहाँ पर क्रिएट हो गया है। जी तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरी सेटिंग पे जो के हैं, यहाँ पर हम वापस से पेज पे चल जाएंगे ये SEO पर, ठीक है। यहाँ पर अब हम नीचे आ जाते हैं। अब हमारा मेटा टैग्स भी हो गया, साइट मैप भी हमने क्रिएट कर लिया। अब आ जाते हैं गूगल सर्च कंसोल में इसको किस तरह एडिट करवाएंगे। तो यहाँ पर आके अपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद अब ये आपसे यहाँ पर कहेगा इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। अब आपने यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा, ओवरव्यू। ठीक है जी, अगर आपका अकाउंट बना हुआ होगा पहले से ही इस पर आपकी कोई वेबसाइट होगी तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है जी। वरना आप यहाँ पर जाके अगर और भी कुछ करवाना चाहते हैं तो ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप अपना URL दे दीजिए, ठीक है। URL हम कहाँ से देंगे, यहाँ पर जाएंगे अपने ब्लॉग पर और यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेंगे और उसको लाके हमने यहाँ URL प्रीफिक्स पर हमने जाना, डोमेन पे नहीं जाना क्योंकि हमने डोमेन परचेज नहीं किया हुआ है। हमने यहाँ पर लाके HTTPS के साथ पूरा का पूरा हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर ये हमें बताएगा कि हम वेरीफाइड है नहीं, तो ये ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड, हम आप एक वेरीफाइड ऑनर हैं। अब यहाँ गो टू प्रॉपर्टी पर आपने क्लिक करके चेक कर लेना है, ठीक है। हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमने साइट मैप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ब्लॉग है वो वेरीफाइड है या नहीं। वेरीफाइड तो हमें कर दिया है उसने, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, देखें ऑनरशिप वेरिफिकेशन यूजर जेनिस You are a verified owner, ठीक है जी।
हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, साइट में हमने अपना ऐड करवाना है। यहाँ पर ये देखें https://blogspot.com। अब साइट में किस तरह से यहाँ पर एडिट होगा, तो हमने अपने ब्लॉग की सेटिंग में चले जाना है जो हमने साइट में यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा साइट मैप है वो यह है वाला, लास्ट वाला हमने अपना साइट मैप हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखें हमारा ये यूज़र एजेंट डिज अलाउ स्लैश सर्च अलाउ, यहाँ पर देखें साइट मैप, ये हमारा साइट मैप है, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये देखें हमारा जो एड्रेस है यहाँ पर zdots.blogspot.com/autumn, तो हमने autumn से लेके ये वाले 500 तक इसको हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ से हमने ये एड्रेस कॉपी करना, सारा कॉपी नहीं करना, बस ये autumn से लेके इसी लाइन के 500 तक, बाकी सारा छोड़ देना है। इसको वापस से सेव कर दीजिए और साइट मैप पे अपने यहाँ आ जाइए, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमने सबमिट करा देना है, सबमिटिंग हो रही है। ठीक है जी, गूगल विल पीरियडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद इट द फ्यूचर। ठीक है जी, यहाँ पर जो है हमारी साइट मैप जो है वो ऐड हो गया है और यहाँ पर इसने सक्सेस भी दिखा दिया है, स्टेटस हमारा सक्सेस है। तो साइट मैप भी हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब क्या करना है, अब इसको बिंग के वेबमास्टर टूल में हम किस तरह ऐड करवाएंगे, एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, यहाँ पर इसको अपनी वेबसाइट को ऐड करवाने से बहुत फ़ायदा होगा। ये एक काफ़ी बड़ा वेबमास्टर का सर्च इंजन है, यहाँ पर हम अगर ऐड करा देते तो हमारी जो ब्लॉग है उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने किस तरह ऐड कराना है, वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा वरना कोई ना कोई पॉइंट आपका लाजमी मिस हो जाएगा। आपने आ जाना है उसी वेबसाइट पे वापस से और नीचे आ जाना है। पहले हमने गूगल सर्च कंसोल में इसको ऐड करा दिया है, अब यहाँ पर आप देखें प्लीज़ विजिट क्लिक हेयर, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है तो यह इनके वेबमास्टर टूल की बॉक्स की तरफ ले जाएगा और यहाँ पर हमें इसको ऐड कराना होगा। जी तो ये वेबमास्टर टूल की साइट खुल चुकी है, यहाँ पर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होगा, अगर आपका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन कर लेना है और अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ से आपने इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है जी, साइन अप करने के बाद आपने फॉर्म आपको दिया जाएगा, आप यहाँ पर फेसबुक के ज़रिए भी साइन अप कर सकते हैं, गूगल के ज़रिए भी, माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए भी। गूगल के ज़रिए हम साइन इन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं। आप जो है यहाँ पर साइन अप कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए, जो भी वो आपसे परमिशन मांगे आपने वो दे देनी है, उसके बाद आपने साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद वो आपको उसे फॉर्म फिल करवाएंगे, आपने वो फॉर्म पूरा ठीक ठीक फिल करना है, जैसे जैसे आपको बताया जाए। आपने अपनी कंट्री सही सिलेक्ट करनी है, सिटी, और अपना नाम सही सिलेक्ट करना है, बाकी फिर उसको सबमिट करा देना है। तो यहाँ पर आप अपनी जो है वेबसाइट है वो गूगल बिंग वेबमास्टर टूल में भी ऐड करा सकते हैं। ठीक है जी, मैं नहीं करा रही हूँ, बस आपको बताना था, आपने अपनी करा देनी। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमने जो हमारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने उस पर काम करना है। क्या है, लास्ट में हमारे पास आएगा गूगल एनालिटिक्स, हमें गूगल एनालिटिक्स में अपनी जो वेबसाइट है उसको लाजमी से ऐड करा देना है। ठीक है जी, एनालिटिक्स में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट से साइन इन करना होगा। ठीक है जी, जब आप साइन इन कर लेंगे तो वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, क्रिएट प्रॉपर्टी पे यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे जाके आपने एडमिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास आपने अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ ऐड करवाना है। आपने क्या करना है, किस चीज़ को ऐड करवाना है, आपके पास आप वेबसाइट को ऐड करवाना चाहते हैं तो वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, ऐप को करवाना चाहते हैं ऐप से क्लिक कीजिए, या ऐप और वेब दोनों को करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए।
तो हमारा सिर्फ ब्लॉग या वेबसाइट है, तो हमने वेब पे क्लिक करेंगे और इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यह हमसे कह रहा है कि प्रॉपर्टी डिटेल्स दीजिए, अपनी वेबसाइट का नाम बताइए, नाम क्या है। तो यहाँ से हम वेबसाइट का अपना नाम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ला के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमसे कह रहा है हमें इसको URL भी देना है अपनी वेबसाइट का, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपना URL जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जी। तो ये HTTPS की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बाकी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है जी। ये इरेज़ अब इंडस्ट्री कैटेगरी हमने चूज़ करनी है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ पर है, ठीक है। तो हमने जो है वो मैंने जो बनाई थी वो शॉपिंग पर बनाई है, तो मैं इसको देख लेती हूँ यहाँ पर ये ऑप्शन है या नहीं। हेल्थ केयर, हॉबीज, एजुकेशन, ऑनलाइन कम्युनिटी, प्रॉपर्टी पर शॉपिंग, और क्या है यहाँ पर, ब्यूटी एंड फिटनेस। तो मैं ब्यूटी एंड फिटनेस पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्टिंग टाइम आपसे हमसे पूछा है यूनाइटेड किंगडम, तो आपने यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री है। आप पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगी, और आप जिस भी कंट्री से हैं आपने यहाँ पर अपनी वो कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान में यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, मेरा टाइम जोन यहाँ पर आई है। उसके बाद मैं क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ, तो ये यहाँ पर मेरी जो साइट है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। नेट मेरा स्लो चल रहा है, मैं इसको पॉज कर देती हूँ जब तक ये लोडिंग करता है जी। तो यहाँ पर देखिए मेरी ट्रैकिंग आईडी आ चुकी है, ये मैं यहाँ से ये कोड जो मुझे दिया जा रहा है ना, ट्रैकिंग आईडी कोड, मैंने यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपने भी अपना कोड कॉपी करना है, मेरा कोड भी कॉपी करना, ठीक है। उसको भी यहाँ पर आएंगे सेटिंग में, आगे अदर पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर देखें एनालिटिक वेब प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ब्लॉग नज़र आ रहा है, आपने उस ब्लॉग के अंदर क्लिक करके यहाँ पर वो ट्रैकिंग आईडी को पेस्ट कर देना है, और उसके बाद जाके सेफ सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेफ सेटिंग में हमने क्लिक कर दिया है, तो ये हमारा ट्रैकिंग आईडी जो है वो सेव हो गया है। ये जी हमारी हो गई है SEO कंप्लीट, यानी कि हमारे ब्लॉग की एडवांस सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इससे क्या होगा, इस सेटिंग को करने से हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल सर्च इंजन में आ जाएगा, वेबमास्टर टूल में आ जाएगा, तो कोई भी जाकर वहाँ पर आपका एड्रेस डालेगा तो वो हमारा जो ब्लॉग है वो ऊपर सर्च में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी SEO। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि अब आपने यहाँ पर पोस्ट किस तरह करनी है, ठीक है जी। पोस्ट किस तरह करेंगे, कहाँ से लाएंगे, बहुत आसान वे है, वो हम आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी से दबा लें ताकि हमारी जो अगली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।